नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। हिमाचल प्रदेश से खबर है। हिमाचल प्रदेश के सोलन शिमला से लगभग 55 किलोमीटर दूर कुमार हट्टी नाहन मार्ग पर स्थित 3 मंजिला इमारत ढहने से करीबन 14 लोगों की जान चली गई है। मृतकों में सैनिक और आम नागरिक भी मौजूद है। इस हादसे में जान गंवाने वालों में सेना के जवान ज्यादा शामिल है। मलबे में से कुल 44 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए राहत बचाव कार्य जारी है। मृतकों में इमारत के मालिक की पत्नी अर्चना भी शामिल है। जिस इमारत में यह हादसा हुआ है उसमें असम राइफल के जवान पार्टी कर रहे थे। अधिकारियों के अनुसार निकटवर्ती डकशाई छावनी के असम राइफल के सैनिक सड़क किनारे स्थित भोजनालय आवासीय परिसर में रविवार की शाम 4 बजे पार्टी कर रहे थे। भारी बारिश के कारण यह इमारत ढह गई। जानकारी मिलते ही राहत और बचाव कार्य के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF के जवान पंचकुला से मौके पर पहुंच गए थे। कुमारहट्टी से नाहन को जोड़ने वाले हाईवे के किनारे स्थित इस ढाबे में हुए हादसे में असम रेजिमेंट के जवानों ने जान गंवाई है। अन्य खबरों के लिए आप बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।